मेरा दूज खान है, कॉलेज आके ये क्लास अगर खेल लूँ तो मेरा खाना पीना चलता रहता है। वहाँ पे सामने ना एक वेटिंग में ट्रेन खड़ी है, पहले ही उधर एक ये ट्रेन खड़ी होगी है, वेटिंग में एक वो पीछे भी ट्रेन खड़ी हुई हो। काफ़ी दिन लगा रहा है कि स्टूडेंट्स की जो मैसेज आते हैं ये कोर्स रजिस्ट्रेशन का समझाओ। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज है 19th of January और भाई जैसे आज 11 बजे कॉलेज जाना है तो सुबह सुबह वही है यार, 8 बजे उठना पड़ता है, 8:30 कि खाना खुना सब देखना पड़ता है। अभी बस नहा के निकला था और भाई नहाने से पहले मैं अपनी दाल, ये रही मेरी दाल तो अपनी बना गया था, चावल यहाँ बन रहे हैं और अभी अभी खाने के लिए रोटी मेरी बन रही है। एक्चुअली जो मेरी शिमला मिर्च मशरूम आलू की यूनिक सब्जी थी ना वो कल बच गई थी और आटा बच गया था क्योंकि रात कल मैंने सैंडविच खा लिए थे, तो मैं रोटी सुबह खाऊंगा और दाल चावल कॉलेज ले जाऊंगा और रात को आके खाऊंगा। तो बस अभी रोटी बनाने लग रहा हूँ, उसके बाद तैयार होके कॉलेज निकल जाएंगे। तो वैसे मैं कॉलेज जाने के लिए निकल गया हूँ, सारा काम हो गया। और भैया आपने मुझे एक चीज़ कमेंट करके बताया, जैसे मेरे साथ तो बहुत होता है, ऋत्विक के साथ भी होता है, जबकि जब भी हमने कहीं जाना होता है ना सब कॉलेज जाना है, भाई मन में इतनी इनसिक्योरिटी रहती है ना कि यार कुछ तैयार तो नहीं किया, ऐसे तो नहीं रह गया, वैसे तो नहीं रह गया, भाई बहुत होता है ना। आप भी बताना कि आपके साथ भी होता है कि कहीं जाना हो और आपको ऐसे मन में इनसिक्योरिटी होती है यार मेरा कुछ रह तो नहीं किया, क्योंकि इतना सामान हो जाता है बैग में, इतना कुछ डालना होता है, जैसे पीछे मेरा टिफिन रह गया कितनी बार, चार्जर रह जाता था। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे अडैप्टर दूसरे होते हैं ना, चार्जर ले जाता था वो अडैप्टर ले जाना भूल जाता था, तो उसे आप छोटी 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 चीज़ें होती है, पेन रह गया, पेंसिल रह गई, मैं बहुत दिक्कत देते हैं। आप भी बताना, अब कॉलेज चलते हैं। वैसे मैं कॉलेज तो आ गया हूँ और पता प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे भाई जो मेन इलाका होता है ना कॉलेज का, वहाँ शूट नहीं किया जाता, पता क्यों? शांति में सारे चल रहे होते हैं और मैं कैमरा उठा के ए गाइस मैं कॉलेज आ गया, ऐसे नहीं किया जाता, थोड़ा ऐसे शांति इलाके में आके करता हूँ फिर मैं, जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होते। अभी तो मैच की क्लास है वो लगाते हैं। तो मैच की क्लास ओवर हो गई है और भाई जो ब्रेक हुई थी मैंने तो उसी में खाना पीना भी कर दिया था, 10 मिनट होते हैं ना उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसे मैम कुछ कहते नहीं है। और अब चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिल्डिंग, वहाँ पे है फिजिक्स की आज असाइनमेंट है, भाई आज ग्रुप्स में काम करना है, देखते हैं मेरा क्या ग्रुप बनता है, कौन से अंग्रेज लोग मेरे साथ आज ग्रुप में आते हैं। तो भाई मैं क्लास में तो आ गया हूँ और मेरा दूज काम है भाई कॉलेज आके ये क्लास अगर भेज लूँ तो मेरा खाना पीना चलता रहता है। और हमारा कुछ फिजिक्स कैसे है, ये लैब नहीं है, ये तो क्लास है फिजिक्स की, तो लैब तो दूसरी साइड होता है। तो चलो वही 15 मिनट है क्लास में खाते पीते हैं। तो कैसे अभी फिजिक्स की क्लास खत्म हुई है तो मैम को बोल के आया, मैं कहा मैम सारे क्वेश्चन हो गया, एक्चुअली ना 29 नहीं करना था, वो थोड़ा हाई लेवल था, हमने वो भी कर दिया इंडियंस ने ग्रुप बना के, तो ना मैम को बोल के आया, मैं कहा हम सारे क्वेश्चन तो कर दे, वो मुझे डाउट है मैं अगली क्लास लगा नहीं पाऊंगा कहा इतना दिमाग भाई इतना ज़्यादा, तो वो भी होगी, मैम वॉज हैप्पी फ्रॉम अस, हमने इंडियंस ने ग्रुप बना लिया था भाई आज भी। एक्चुअली क्या है कि हाँ, तो अरे मेरे एक फ्रेंड आ गया था, मैं ये कह रहा था भाई इंडियंस ने इसलिए बनाया क्योंकि आज कॉलेज ने डिसाइडेड नहीं करा था कुछ, तो हम सारे इकट्ठे बैठ गए और ना हम बातें मार रहे थे हिंदी में, मैं वहाँ कहते तो आप सारे एक लैंग्वेज बोलते हो, हमने कहा यस, कहते कौन सी, मैं हिंदी, कहते ये हिंदी टेबल है, वो साइड वाले चाइनीज़ में कर रहे हैं, वो चाइनीज़ टेबल है, इतने हंसी आए भाई, बहुत सब अच्छे टीचर्स हैं। मैम कहते मैं रिटायर होने वाली हूँ जल्दी, इसलिए मैं डांटती नहीं बच्चों को, ऐसे चिल मूड में चलता है, बहुत बढ़िया भाई। और 4:30 हो गई मेरी क्लास, शायद शुरू ना हो चुकी हो, तो चलते हैं भाई। फाइनली फ्री हो गया हूँ मैं अपनी लैब से, भाई दिमाग ही मेरा तो क्या बोलूँ, नो वर्ड्स, ख़राब हो चुके हैं बिल्कुल ही, क्योंकि इतनी औखी लैब भाई समझ ही ना आए कुछ। और अब स्टॉप की तरफ जा रहा हूँ, 20 बच्चों का रश खड़ा हुआ है स्टॉप की तरफ, मतलब मैं तो जो अनशा है उसी में चढ़ा, खड़े होकर जाना पड़े भाई, रुकने की हिम्मत नहीं होती बिल्कुल भी। तो गाइस बस वो वाली निकल गई और इतना रश स्टॉप पे, बंदे बंदे चढ़ाओ, मैं वापस चल के ना पिछले स्टॉप पे जा रहा हूँ, वहाँ से स्टॉप 1 पे रुकते थे, मैं स्टॉप 2 पे जा रहा हूँ कि भाई वहाँ से तो जगह मिल जाएगी, तो अगर उस बस में भी जगह ना मिली भाई तो फिर लंबा रूट पकड़ना पड़ेगा स्काई ट्रेन। अबे नहीं शुक्र है, मैं कहा कहीं बस आ गई लग रही है, वैसे तो आ गई मुझे, अगर वही हुई मेरे को फिर भागना पड़ेगा, हद है भाई, तो देखने दो।
हाँ वही है, वापिस जाना पड़ेगा भाई, हो गया काम मेरा तो। ओहो तो वैसे अभी ना मैं मेट्रो टाउन स्टेशन था और भाई गजब हो गया, वहाँ पे सामने ना एक वेटिंग में ट्रेन खड़ी है, पहले ही उधर एक ये ट्रेन खड़ी होगी है वेटिंग में, एक वो पीछे भी ट्रेन खड़ी हुई है ऊपर। तो वैसे देख रहे हो एक ये खड़ी है, अब आप आराम से देखो एक ये रही भाई, एक स्टेशन अब गई है वो, अब ये चलेगी भाई, पता नहीं कोई इमरजेंसी आ गई होगी, नहीं तो इतनी देर स्टेशन पर रुकती नहीं होती है। अब ये पहले स्टेशन पर जाके अनलोडिंग लोडिंग होगी, देखो चल पड़ी, अब ये जाएगी वो पीछे एक वो रुकी हुई है, मैं पक्का श्योर हूँ उसके पीछे भी एक होगी जितना टाइम हो गया है। तो यहाँ पे भाई ये ऑटोमेटेड है, सारी ट्रेन ऐसे खुद से रुक जाती है एक सेफ डिस्टेंस पे। अभी ये गई है, अभी वो थोड़ी आगे आ जाएगी। तो वैसे वॉलमार्ट से सामान वगैरह तो ले लिया, और स्काई ट्रेन भी अब अपनी बढ़िया रफ्तार से चल रही है, वही इतना बेस्ती वाला काम लगता है ना। मतलब 1.5 किलो केले लिए भाई, मैंने केले ज़्यादा ले लिया एक्चुअली, यहाँ पे क्या होता है हरे हरे केले मिल जाते हैं जो कि जल्दी पकते नहीं हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा ले लेता हूँ कि भाई अब 10 दिन तो काम चल जाए मेरा, चलता नहीं वैसे। मतलब ले लिए 1.5 किलो भाई, वो बैग में डालने पड़े मेरे को इतने, वैसे हाथ में 2 ब्रेड हाथ में है, वैसे उसका ट्रेन में अगर मान लो जगह ना मिली, बेस्ती वाला काम है इतना खड़े होके। अगली बार से चलना मेरे को बैग में रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये वाला वॉलमार्ट पास पड़ता है, बाकी ना यार पास नहीं, मतलब ये वाला वॉलमार्ट ऐसा कि विद इन वे पड़ जाता है, बाकी थोड़े दूर पड़ते हैं। और गाइस पता लग चुका है मेडिकल इमरजेंसी थी भाई, देखो 2 एम्बुलेंस खड़ी है, ये दिक्कत आ गई थी स्काई ट्रेन में। चलो कोई ना, बढ़िया सर्विस लगती है भाई, मतलब रिजॉल्व तो हो जाती है। तो गाइस मैं ना अभी घर आ गया था, और भाई जब ट्रांजिट चढ़ो ना ऐसे भगदड़ मची होती है ना भाई, घर जाके खाना खाओ जान निकली होती है, और अब मुझे जान में जान आई है खाना खुना खा के, आवाज़ भी मेरी काफ़ी सही हो गई है भाई, पहले तो बिल्कुल लो बैटरी हो रखी होती है। और हाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यार, काफ़ी ही लग आ रहा है कि स्टूडेंट्स की जो अपकमिंग है, मुझे मैसेजेज आते हैं ये कोर्स रजिस्ट्रेशन का समझाओ क्या है कॉलेज का, मैं मुझे भी तुम्हारी जैसी सेम दिक्कत रहती, मेरे एक सेमेस्टर ड्रॉप हुआ था सिर्फ एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से। मैं नहीं चाहता तुम्हारा हो और तुम्हें कोई डाउट रहे, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, 1-2 दिन का टाइम दो, मैं जिस दिन फ्री हुआ ना ढंग से मैं कोर्स थोड़ा अपना रिसर्च कर लूँ, मैं तुम्हें सारा बताऊँगा, प्री रिक्विजिट हो गया, प्रोग्राम करिकुलम हो गया, ठीक है तुम्हारा सेमेस्टर ड्रॉप हो गया, या फिर तुम्हारी मेन तो प्री रिक्विजिट फंसती है, ये इलेक्टिव्स होगी यूनिवर्सिटी ट्रांसफरेबल का क्या पंगा है, मैं तुम्हें सारा समझाऊंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, एक डेडिकेटेड वीडियो ही बनानी पड़ेगी, ये व्लॉग में नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है जो हाँ मुझे जिसके बारे में नॉलेज है, पर ये मैं व्लॉग में ऐसे मजाक में तुम्हें बता दूं तुम कुछ गलत समझ लो, ठीक है उसके बाद तुम्हारा नुकसान हो कोई, मैं ये नहीं चाहता, ठीक है मुझे तुम थोड़ा सा बस टाइम दे दो, जितने भी तुम्हारे डाउट्स हैं ना मैं सारे क्लियर कर दूंगा, क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा तुम्हें कि एक्टिवेशन टाइम वगैरह क्या है सब कुछ। तो अब बस मुझे यार अपना काम कूम करना है, ये तुम टाइम दो मुझे, मैं पक्का करूँगा। और अब आगे प्लान ये है, मिली हुई असाइनमेंट्स कॉलेज की आज करते हैं, निपटाते हैं, अभी ब्लॉग भी अपलोड करना है, एडिटिंग तो होगी थी भाई। हाँ मैंने जो कैनेडा की ट्रांजिट है ना उसके बारे में भी सारा समझाया है अपने पिछले ब्लॉग में, कि कैसे यहाँ पे बस का सिस्टम है कैसे नहीं है, तो वो ब्लॉग ज़रूर देख लेना अगर आपको बस सिस्टम से बनना है, कॉलेज जल्दी से जल्दी कैसे पहुँचना है वो सारा देख लेना। तो वैसे अभी ना मैं मैथ्स का काम कर रहा था भाई, मतलब हद होगी इतना, मतलब मेरा आंसर सही, मैंने मेथड निकाला क्वाड्रेटिक कर रहा था, तो आंसर निकला मतलब ऐसे लिखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लो, मैंने निकाल ली 4x² - 2x + 8 ऐसे निकाल ली कुछ, मान लो मैंने भर दिया आंसर, उसने गलती खा लिया भाई। हमें ना क्या होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे, तो 5 बार मौका मिलता है ठीक भर दिया, ठीक है नहीं तो वो आंसर लॉक हो जाएगा। तो मैं भर रहा, मैं कहूँ यार मेरी मैथ पूरी ठीक भाई, कोई चांस ही नहीं उसमें गलत होने वाला, क्या गलत हो सकता है पूरा सही भर है भाई, पता है क्या गलत था, आंसर से पहले y = लिखना भाई, इतना गुस्सा चढ़ाना, मैंने घरा पेज फाड़ दूँ इतना, मतलब हद भाई, वाई ऐसे सेम 4 क्वेश्चन थे और चारों y = y = ये था बस, हद हो गई, पूरा दिमाग खराब हो गया। एक क्वेश्चन तो फंस गया, अभी मैम को मैसेज किया, मैम बता दो 11 बजे मैसेज किया देख लो भाई, एक्चुअली वो जो प्लेटफॉर्म है ना उससे मैसेज जाता है, अब मैम की वजह जब मर्जी रिप्लाई करें, ऐसे व्हाट्सएप नंबर्स नहीं है हमारे पास कोई भी, प्लेटफॉर्म के थ्रू जाता है। और अब थोड़ी पेट पूजा करते हैं भाई, और पहले मैं ब्लॉग तो यहीं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोने का टाइम हो चुका है, खा पी के मैं सो जाऊँगा, कल का देखते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई, तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दो।